आज हम लोग 3 लीटर गीजर का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जो प्रॉपर तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर कभी भी आप 3 लीटर गीजर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो किस तरह से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगा आपको। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इंची टेप से हम लोग को हॉल मार्किंग करना है कि गीजर का हॉल कितना से कितना है, तभी मार्किंग कर पाएंगे वॉल पर। सबसे पहले इस गीज़र को हम लोग अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। इजीली तरीके से ये हमारा गीज़र ओपन हो चुका है। सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल सा गीज़र हमारे सामने है। इसमें कुछ चीज़ नोटिस करना ज़रूरी होता है, जैसे कि आप लोगों का राइट जो पॉइंट है हमारा ब्लू वाला, वो हमारा इनपुट पॉइंट है, मतलब पानी हमारा इसे से इन करेगा और आउट होगा हमारा रेड वाले पॉइंट से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कभी भी इंस्टॉल करते हो तो। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो हमारा क्या आता है, वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितना वाट पे ये काम करेगा। 3000 वाट पे ये काम करेगा। 5 ईयर्स का वारंटी आपको टैंक का मिलता है। एंड इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग क्या क्या चीज़ें और भी देखने को मिल जाती है। 2 लाइट है, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन हमारा ऑटो कट का सिंबल है, रेड हमारा ऑटोमेटिक पावर का है, जो कि आपका जलता ही रहेगा वो। इसके बाद हमें 2 पाइप मिलता है, कनेक्शन पाइप, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पाइप देखने को मिल जाता है। स्क्रू और गुज्जा जो कि इंस्टॉलेशन द्वारा हम लोग अभी तुरंत ही यूज़ करेंगे। बाकी कुछ और भी चीज़ जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, जैसे कि वारंटी पेपर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं इजीली तरीके से हमारे सामने वारंटी पेपर। अगर आपको टोल फ्री वगैरह में कॉल करना है, कॉल लॉगिन करवाना है, तो यहाँ पर आपको वारंटी पेपर में नंबर दिया हुआ मिल जाता है। लगाने का प्रोसेस हम लोग चालू करते हैं गीज़र का। तो यहाँ पर हमारे सामने ये गीज़र जो कि सोमानी का, जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया, और यहाँ पे स्क्रू है और इसका गुज्जा है जो हम लोगों को लगाना है। साथ में ड्रिल मशीन का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ ड्रिल मशीन देख सकते हैं। इसमें जो बीट मैंने लगाया है वो 6 नंबर के बीट लगाया है, सबसे पतला एमएम वाला। और यहाँ पे हथौड़ी एक और स्क्रू ड्राइवर का काम होगा, जिस तरह से हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग मार्किंग कर रहे हैं कि इसका कितना है, ये इंची तो 3.5 इंची है, तो 3.5 इंची हम लोग को ये मार्किंग करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस आप देखिए किस तरह से अभी कर रहे हैं हम लोगों का। इधर आइएगा, गीजर हमारा इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों को मार्किंग अभी करना है। तो जिस तरह से हम लोग गीजर पे मार्किंग था, एक मार्किंग तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लगा दिए, दूसरा इसी को वापस घुमा देंगे और 3.5 इंची पे नापी लेंगे। 3.5 इंची इसलिए हमारा आ चुका है, गीजर प्रॉपर यहाँ पे फिट हो जाएगा। और यहाँ पे पानी का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन आपको चेक भी करना पड़ता है कि इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा, इससे पहले भी देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने चेक कर लूँगा। यहाँ देख सकते हैं पानी दोनों में बंद है। हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें पानी किस में से आ रहा है, वही इनपुट होगा। इसको हम लोग खोल रहे हैं इस तरफ वाले में, राइट वाला में, तो पानी नहीं निकल रहा, मतलब ये हमारा आउटपुट है। अब इसको खोलेंगे हम लोग, तो यहाँ से पानी आ रहा है, देख सकते हैं ये हमारा इनपुट है। गीजर का जो इनपुट रहता है हमेशा राइट साइड में रहता है, तो इनपुट में हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको, ये पैंप को, ठीक है। यहाँ का प्रोसेस आप समझ गए। अब लगाने का प्रोसेस आप देखिए किस तरह से लगाना है। मार्किंग कर चुके हैं, अब ड्रिल करेंगे हम लोग। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग, कभी आप ड्रिलिंग करें तो वायरिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि वायरिंग भी इंटरनल कभी हो सकता है। तो पॉइंट बाई पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें वायरिंग ना हो, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट ही वायरिंग आया हुआ रहता है, तो हमेशा उसके ऊपर आप ड्रिल करें या फिर नीचे करें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। ड्रिलिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है, अब गुज्जा हम लगाएंगे। हथौड़े की जरूरत पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया गीजर का हमेशा राइट साइड में इनपुट रहता है और पानी जो हमारा है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो उसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। इनपुट से इनपुट का कनेक्शन कर दिए, पानी वाले इनपुट से गीजर का इनपुट, अब पानी को हम लोग धीरे धीरे खोलेंगे।
जब तक पानी पूरा नहीं भरेगा तब तक दूसरा वाला पैंप को हम लोग कनेक्शन नहीं करेंगे। अगर दोनों अगर पैंप अगर कनेक्शन कर देते तो एयर ले लेगा और हमारा जो आउटपुट से पानी है वो पानी नहीं आएगा, इसलिए एक पैंप को हम लोग खोल के रखना पड़ता है आउटपुट वाले को। पानी निकलने में आएगा, अभी हम लोग पानी को बंद करेंगे इनपुट वाले को, उसके बाद कनेक्शन करेंगे, तो प्रॉपर काम हो चुका है हम लोग का। बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं बढ़िया से मजबूती से, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एयर भी इसमें ध्यान दीजिएगा, एयर इसमें से निकलता है, क्योंकि एयर जब निकलेगा तो समझिएगा पानी इसमें ऐड हो रहा है। अब देख सकते हैं पानी पूरा का पूरा भर चुका है। अब इसको हम लोग बंद कर दिया, अब दोनों नलकों को खोल देंगे और चेक करेंगे वो कि नल से पानी आ रहा है नहीं आ रहा। अभी शुरू कर सकते इधर के बेहतर तो लगने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको देखेगा सोमानी का वाटर हीटर। देख सकते दो इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है, लेफ्ट वाला जो ग्रीन है वो ऑटोमेटिक है, जब पूरा पानी गर्म होगा ऑटो कट होगा तो ग्रीन वाला बंद हो जाएगा और रेड हमारा पावर वाला है वो हमेशा जलते रहेगा। तो इस तरह से कुछ देखने में हमें लगेगा, ठीक है, यहाँ से हमारा पानी आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।